अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज का शो भी बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि जिस तरह से आजकल लोग परेशान हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है, साथ साथ सर का दर्द। और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, हमारे साथ न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उबैद खान ज़ादा साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सर दर्द की कितनी किस्में हैं? सबसे पहले बता चलूँ कि इससे भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो बताना चलूँ कि हमारे यहाँ पे माशरे में एक फैशन का हिस्सा है जिसको कहने तो कहना गलत नहीं होगा कि हर सर जो भी जिसको भी सर का दर्द होता है वो समझता है मुझे माइग्रेन है। हाँ, यही है, हाँ, है। और हर सर का दर्द, जिस भी सर के दर्द के साथ मरीज आ रहा है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, जो भी हो, वो कहता है MRI करा ले। तो मैं यहाँ दो चीज़ें क्लियर कर दूँ कि हर सर का दर्द माइग्रेन का दर्द नहीं होता और हर सर के दर्द में MRI CT स्कैन कराने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो क्यों जरूरत होती है, MRI कब कराना चाहिए, CT स्कैन कब कराना चाहिए, वो प्रोग्राम में हम आगे चल के बात करेंगे उन चीज़ों के ऊपर। और अब मैं बता चलूँ कि सर के दर्द की कितनी किस्में होती हैं। दुनिया में दो किस्म के सर के दर्द होते हैं, एक प्राइमरी हेडेक्स, एक सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी मतलब वो सर के दर्द जिनकी कोई वजह नहीं है लेकिन मरीज को सर का दर्द हो रहा है, जिसमें हमारे टॉप मोस्ट जो टेंशन टाइप हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, क्लस्टर हो गया। और अब हम आते हैं सेकेंडरी हेडेक की तरफ। सेकेंडरी हेडेक वो हेडेक्स होते हैं, वो सर के दर्द जिनकी वजह होती है, असबाब होते हैं, कोई वजह होती है, उसको हम ट्रीट करते हैं, मरीज का सर का दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत सारी वजूहत हैं, किसी को दिमाग की TB हो जाना, दिमाग सर पर चोट लग जाना, दिमाग का फालिज हो जाना, दिमाग का कैंसर हो जाना, ये तमाम सेकेंडरी हेडेक्स के अंदर चीजें आती हैं। ठीक है, अच्छा माइग्रेन अगर आपको है तो वो किस तरह से पता चलेगा कि ये जो है ये माइग्रेन है और ये दर्द कुछ और है? क्योंकि सर के दर्द की अलग इकसाम है ना, तो अब जो लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हर दूसरे शख्स को ऐसा लगता है कि मुझे माइग्रेन हो चुका है या मुझे उसी की तकलीफ है, तो किस तरह से उनको पता चलेगा कि आया ये वाली जो तकलीफ है ये माइग्रेन है, ये वो सर का दर्द नहीं है? तो इसके लिए आप कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे देखने वालों को बताना चाहेंगे? देखिए जी, माइग्रेन के सर के दर्द की अलामत है वो बता, 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट अलामत जो है, जो कि इसमें जरूरी नहीं कि हर मरीज में चारों अलामत मिले, जरूरी नहीं, किसी में एक भी मिल सकता है, किसी में 2 अलामत मिल सकती है, किसी में 3 मिल सकती है। तो सबसे पहले तो ये कि जो है आपको जब सर का दर्द होता है आपको लाइटें बुरी लगना, कमरे के अंदर लाइटें जल रही है, ऐसे मरीज को अंधेरा अच्छा लगेगा। अच्छा, जब उसके सर के दर्द का अटैक होगा वो लाइट बंद कर दो, मतलब रोशनी उसको और तकलीफ देगी, जिसको हम कहते हैं फोटोफोबिया। फोटोफोबिया कहते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, यानी लाइटों का बुरा लगना। मरीज ये कंप्लेन कर रहा है कि लाइटें आंखों में छुपती हैं जब सर के दर का अटैक होता है। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी इसकी अलामत बात करें तो फोनोफोबिया, आवाज बुरी लगना, कोई मतलब घर में बच्चे शोर कर रहे हो, TV चल रहा हो तो वो बंद करा देते हैं, मोबाइल पे बात करना अच्छा नहीं लगता सर के दर के दौरान जब अटैक होता है सर के दर उस दौरान। तीसरी चीज उल्टियां या अपकाई आना, बहुत से मरीज ऐसे होते हैं उनको उल्टी आती है, सर का दर्द ठीक हो जाता है उनका, तो ये भी माइग्रेन की अलामत होती है। और अगर बच्चों में माइग्रेन की हम बात करें तो बच्चों में इस तरह सर का दर्द होता है कि बच्चों में उल्टियां होती हैं, उसके साथ साथ बच्चों को धूप में जब निकलते हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो उस दौरान बहुत सर का दर्द होता है। जैसे हम जब भी बच्चे आते हैं 8 साल या 10 साल के जो बच्चे आते हैं जिनके माइग्रेन होता है, अच्छा माइग्रेन इस एज के बच्चों को, हाँ वही मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ कि माइग्रेन 8 और 10 साल की उम्र में दोनों जेंडर, मेल फीमेल दोनों के अंदर कॉमन होता है, लेकिन 12 से 14 साल की उम्र के बाद माइग्रेन फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होता है, क्योंकि 12 से 14 साल की उम्र के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाती है फीमेल्स के अंदर, तो इस वजह से फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होता है। बाकी इससे पहले अगर हम एज की बात करें तो दोनों में कॉमन होता है। तो बच्चों से अमूमन हम एक ही सवाल करते हैं, बल्कि बच्चों से क्या उनके वालिदैन से एक ही सवाल करते हैं कि ये बताएं बच्चा जब स्कूल जाता है सुबह तो उसको शदीद सर में दर्द होता है, और जब स्कूल से आता है तो कपड़े चेंज किए बगैर लेट जाता है ये? तो अगर वो यस करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि इस बच्चे को माइग्रेन का दर्द है। तो बच्चों में भी ये माइग्रेन का दर्द कॉमन होता है, लेकिन 8 से 10 साल की उम्र से पहले दोनों जेंडर्स के अंदर। अच्छा, ये अमूमन जो सर का दर्द होता है या अमूमन लोगों को सर का दर्द रहता है, तो इस तरह के टेस्ट लिखवाए जाते हैं कि जो आपको ज़रूरी है करवाना, और कुछ लोगों को टेस्ट अगर ना भी दिए जाएं तो वो भी उनकी कोशिश होती है, जैसे कुछ लोगों को बड़ा सुकून मिलता है कि अपने टेस्ट वो खुद बता रहे होते हैं लेबॉर्ट्री में जाके, ये वाले टेस्ट कर दें, ये वाले टेस्ट कर दें, तो आया इस तरह के टेस्ट जो कि दिमाग से जिसका ताल्लुक है वो करवाना आप समझते हो कि बेहतर है, जब तक आपको डॉक्टर प्रॉपर तरीके से चेकअप के बाद अगर टेस्ट ना लिख के दे, खुद से जाके जिस तरह से लोग अमूमन अपने टेस्ट करवाते हैं उस तरह से करवाना क्या खतरनाक होगा? देखिए, ये सर के दर्द के लिए हम कहते हैं रेड फ्लैग साइंस। रेड फ्लैग साइंस मतलब ये अलामत मिली है तो आपको टेस्ट करवाने हैं। तो सर के दर्द का जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो CT स्कैन या MRI होता है, जिसको हम न्यूरो इमेजिंग कहते हैं। अब वो कब कराना है आपको? अगर किसी मरीज को सर के दर्द के साथ बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही है,
ठीक है, अगर किसी मरीज के सर के दर्द के साथ लकवा हो रहा है, अगर किसी मरीज को सर के दर्द के साथ मिर्गी झटके पड़ रहे हैं, अगर किसी मरीज को सर के दर्द के साथ बेहोशी हो रही है, ये तमाम अलामत, और 50 साल की उम्र के बाद शदीद सर का दर्द होना, और एक सर का दर्द होता है सिर्फ ये कनपट्टी होती है, इस तरफ दर्द होता है, क्योंकि 55 साल के बाद जो मेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन इसकी फीमेल्स भी इस तरह की पेशेंट देखी गई है, तो उसमें मरीज क्या करता है कि सिर्फ इस जगह पे कनपट्टी की तरफ दर्द होता है, निवाला चबाने में, बात करने में, खाना खाने में उसको दर्द होता है, तो इसको हमें जल्द से जल्द ट्रीट करना होता है। इसमें हमें कुछ टेस्ट होता है जिसको हम ESR और CRP कहते हैं, वो कराना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमने वो टेस्ट नहीं करवाया और मरीज को बर वक्त डायग्नोस नहीं किया, तो हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से मरीज ब्लाइंड हो सकता है, उसकी आंखों की बिनाई जा सकती है। तो इसलिए अगर किसी को सर का दर्द है, उसके साथ उल्टियों का होना, सर के दर्द के साथ बेहोशी होना, सर के दर्द के साथ जिस्म का कोई भी एक साइड काम नहीं करे जिसको हम डेफिसिट कहते हैं, सर के दर्द के साथ मिर्गी झटके लगना, और 50 साल के बाद सर का दर्द होना, 50 साल की उम्र के बाद सर का दर्द होना, तो ये सारे रेड फ्लैग साइंस कहलाते हैं। फिर इसमें हमें CT स्कैन कराना होता है, इसमें बीमारी की जरूरत होती है। ठीक, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कोई सर का दर्द, मतलब किसी कोई एक किस्म ऐसी भी होती है सर के दर्द की जिससे आपको नज़र आना कम हो जाए, या वो अगर आपको रूटीन में वो दर्द रहता है तो अल्लाह ना करे आप आंखों की बिनाई से भी दूर हो सकते हैं, वो भी ख़त्म हो सकती है, कोई ऐसा भी सर का दर्द हो सकता है? क्योंकि अमूमन लोगों को सुना है कि जब सर में बहुत दर्द होता है तो उनको फील होता है कि अब हमें कम नज़र आ रहा है, तो उनको लगता है शायद हमारी नज़र कमज़ोर होगी उसकी वजह से सर में दर्द है। लोगों का ये कहना था नज़र कमज़ोर हुई है उसकी वजह से दस सर में दर्द है, ये भी कुछ चीज़ें हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो वही बात है ना कि हमारे यहाँ पे तो माशरे में हर कोई डॉक्टर बना हुआ, इसीलिए तो आज मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि अगर आप वो एक बात है ना, चार नवादी चारों मुफ्ती, वाली एक उर्दू में मिसाल है, तो हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 50 से 55 साल की उम्र के बाद एक स्पेसिफिक खास किस्म का दर्द होता है जिसको हम जेंटल आर्थराइटिस कहते हैं, अपनी लैंग्वेज हम टेम्पोरल आर्थराइटिस कहते हैं। अब होता क्या मैं बताता हूँ, जाते जो ले मैंने उसको समझ में नहीं आएगा कि मैंने उसमें क्या होता है कि ये जो हमारी शरियान है, ठीक है, ये डायरेक्ट दिमाग को के जरिए से आंखों की रोशनी सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई आती है, ठीक है, खून की सप्लाई यानी कि आंखों की सप्लाई, ब्लड सप्लाई इसके जरिए आ रही है, इसके अंदर सूजन हो जाती है। अब जब इसके अंदर सूजन होगी तो मरीज किस तरह प्रेजेंट करेगा, तीन से चार बातें, कनपट्टी में दर्द की कंप्लेंट करेगा एक साइड पे, उसको जो है नजर आना कम हो जाएगा, मतलब यानी नजरें मुतासिर होंगी, डॉक्टर साहब मुझे धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, मुझे कम नजर आ रहा है, निवाला चबाने में, बात करने में, ब्रश करने में, शेविंग करने में, मिसवाक करने में, उसको सर का दर्द बढ़ेगा। अच्छा, और ये 50 या 55 साल की उम्र के बाद मेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होता है। तो अगर कोई भी मरीज इस तरह का आता है तो हम उसमें दो टेस्ट होते हैं ब्लड के, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में ESR और CRP, वो हमें बर वक्त कराना होता है, और फिर उसके बाद हमें स्टीरॉइड की गोली स्टार्ट करनी होती है ताकि सूजन कम हो जाए। अगर हमने इसको बर वक्त डायग्नोस नहीं किया तो मरीज की ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कि मरीज की आंखों की हमेशा के लिए जा सकती है, इरिवर्सिबल, फिर वो वापस नहीं आ सकती। तो इस किस्म का सर का दर्द है उसको फौरन हमें पहले से पहले उसको जो है ना वो टेस्ट करना होता है और उसको डायग्नोस करना होता है। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि आया सर का दर्द होता क्यों है, मतलब उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ज़्यादा सोचना या कोई ऐसी ऐसा फूड खाना, या सर का दर्द जो है हम अगर कोई हेल्दी फूड नहीं खाते या इस तरह का फूड खाते, क्या उससे भी इस चीज़ का कोई कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि हमारी बॉडी का कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से तो कनेक्शन होता है, क्या अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाते या इस तरह का फूड खाते हैं, या बहुत सारी सोच रखते हैं, या दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या नींद नहीं लेते, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वजह बन सकती है सर के दर्द की? देखें जी, जैसे मैं बताया था कि अब सर का दर्द है, किसी को माइग्रेन का दर्द है, अगर एक पेशेंट को सर का दर्द हो रहा है, हफ्ते में एक मरतबा हो रहा है, महीने में चार अटैक्स हो रहे हैं उसके सर के दर्द के, और अगर चॉकलेट खाने से सर का दर्द बढ़ जाता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से सर का दर्द बढ़ जाता है, ठीक है, तो अब ये चीज़ें फेवर करती हैं कि इसका मतलब क्या, कोई चीज़ पनीर होती है जैसे अगर पिज्ज़ा के जिंगर के अंदर भी होते हैं, जंक फूड खाने से सर का दर्द बढ़ गया, तो ये चीज़ें फेवर करती है। और अगर मेरी सी एज 25 से 30 साल के दरमियान है, 15 से 30 साल के दरमियान है, तो ये चीज़ें फेवर करती हैं कि मरीज को माइग्रेन का मसला है। अच्छा, ये ट्रिगर पॉइंट है माइग्रेन के। लेकिन अगर किसी पेशेंट को सर का दर्द होता है, उसके साथ साथ कंधे भी भारी होते हैं, गर्दन में भी दर्द होता है, उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा उसका ज्यादा बढ़ जाना, एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बात बात के ऊपर गुस्सा करना, छोटी छोटी बात के ऊपर रोना आना, तो इसके सर का दर्द के ताल्लुक ये टेंशन टाइप हेडेक है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है। प्राइमरी हेडेक्स में सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है वो टेंशन टाइप हेडेक होता है, और लोग, आई एम सॉरी टू से, लोग और जितने भी मैंने ज्यादा डॉक्टर्स को देखा है, उसको मिसडायग्नोस कर रहे होते हैं, वो उसको गर्दन के दर्द की दवाई दे रहे होते हैं, हालांकि वो गर्दन का दर्द नहीं है,
वो गर्दन का जब भी आपको स्ट्रेस होगा, किसी को भी स्ट्रेस होगा, तो ये हमारे गर्दन के जो पट्टे हैं ये स्टिफ हो जाएंगे, ठीक, कंधे स्टिफ हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, अकड़ावपन आ जाएगा इसके अंदर। तो जो ये जो होता है इसी वजह से टेंशन टाइप हेडेक होता है। तो इसको हम टेंशन को रिलीज करना है एंटी डिप्रेशन के जरिए, मसल रिलैक्सेशन के जरिए, फिजियोथेरापी होती है, तो उसकी बहुत अच्छी अच्छी फिजियोथेरापी की टेक्निक्स आ गई है, उसके जरिए हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, वैसे नॉर्मल इंसान को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, और जो है इसी के साथ खाने, जिस तरह से हम लोगों की रूटीन कराची वालों की अगर बात करें कि रूटीन कोई नहीं है, ना सोने की रूटीन है ना खाने की कोई रूटीन है, तो किस तरह से हम लोगों को अगर अपने आप को सेहतमंद रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, या क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दिमाग का होता है, आप अगर काम पे भी जाते हो ये ठीक होगा, बिल्कुल सही चल रहा होगा, फ्रेश हो गया आप, तो सारा काम अच्छा होगा, और अगर यही डिस्टर्ब होगा तो फिर कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो नींद किस टाइम और कितने घंटे की लेनी चाहिए, और कौन सी नींद किस टाइम की बेस्ट होती है? सबसे पहले बता चलूँ कि जब बेस्ट नींद की जब टाइमिंग बता रहा हूँ वो ये है कि 8 घंटे की नींद, कम से कम 8 घंटे की नींद हर इंसान को लेनी चाहिए, लेकिन मैं रात की नींद की बात कर रहा हूँ। अब हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या है, हम सुबह 5 बजे सोते हैं फजर पढ़ के, और वो हम दोपहर 2-3 बजे उठ रहे हैं, तो 8 के 10 घंटे की नींद होगी। रात की नींद की बात कर रहा हूँ मैं, रात की नींद। और खाना आपको हमेशा याद रखिए कि रात का जो खाना खाना है, जो शाम का खाना खाना है, वो सोने से 3 घंटे पहले खाना है। तो जब भी तो कहते हैं ये जो रमजान होता है, रमजान जिस हम सहरी करते हैं और जो हम अफतारी करते हैं, वो बेस्ट टाइम है खाने का, और बेस्ट टाइम है सुबह नाश्ते का, बेस्ट टाइम है। लेकिन वो अल्लाह माफी दे कि हम लोग तो उठते ही 2 बजे सुबह सो गए, रात के 4-4 बजे तक हमारा जागना होता है। तो 8 घंटे की नींद कम अज कम, लेकिन रात में की, मैं रात की नींद की बात कर रहा हूँ। और रात का खाना आपको कम अज कम सोने से 3 घंटे पहले खाना है। अब आप अगर 10 बजे सो रहे हैं तो आपको 7 बजे तक खाना खा लेना है आपको, ठीक है। और रोजाना अपनी वॉक को अपनी आदत बनाएं, खाली पेट आपको वॉक करनी है, 3 बेस्ट टाइम है वॉक के, जो मेडिकल साइंस के मुताबिक जो वॉक करने के 3 टाइम है, एक तो फजर की नमाज के बाद नंबर 1, वो बहुत अच्छा टाइम होता है, ठीक है। आप नहीं कर सकते, ऑफिस की देर होती है आपको, तो आप सेकेंड टाइम असर की नमाज की बात कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट उसके बाद जो है तीसरा तरीका है कि इशा की नमाज के बाद, लेकिन यह आपको वॉक करनी है खाली पेट। और वॉक करने से आपको 2 एडवांटेज होंगे, सबसे पहला कि अक्सर भी हमारे पूरे जिस्म में दर्द देता है, हर कोई डिप्रेशन में होता है, डिप्रेशन की वजह से भी दर्द होता है पूरे जिस्म के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि अल्लाह पाक ने एक हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स रखे हैं, एंडोर्फिन एंड कैप्लिन, वो कब रिलीज होते हैं, जब हम वॉक करते हैं, जब भी, तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं हरकत में बरकत है, यानी कि हम हरकत करेंगे तो एंडोर्फिन और एनकैफलिन रिलीज होगा। एक का काम क्या होता है कि कुदरती तौर पर पेन किलर है, और एक क्या काम करता है, कितनी तौर पर एंटी डिप्रेशन काम करता है। तो वॉक तो डेली 15 से 20 मिनट करनी है, उससे पहले हम बिस्तर को पर नहीं जाए। और हमारे साथ सिस्टम ये है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, अब एक दो घंटे मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो जब भी आप मोबाइल यूज करेंगे नींद नहीं आएगी, इससे हमारी नींद डिस्टर्ब होगी मोबाइल से, उसके अंदर रेज होती है वो हमें डिस्टर्ब करती है। और जहाँ तक भी अब तो नई रिसर्च आई है, नई गाइडलाइंस आई है, उसमें यही बताया गया है कि जो लोग लेट के सीधे स्टोर लेट के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आंखों की बिनाई कम होती है। अच्छा, और लोग क्या, बच्चे आप देखें, बच्चे कि रात को वो जब लेटते हैं तो उनके हाथों में मोबाइल होता है, गेम खेल रहे हैं या एक्स वाई ज़ेड कुछ भी कर रहे हैं, लड़कियां भी इसी तरह हैं, हम खुद खैर इस तरह से करते हैं, पर वाकई उसके बाद मैंने फील किया कि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ रहना शुरू हो गई, उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिमाग पे एक कोई बोझ आ गया है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे कम नज़र आता है, उस टाइम मेरी आंखें धुंधली हो जाती है, ये सारी चीज़ें मुझे मेरे साथ लगी हैं। अब आप बताएं कि अगर रात के टाइम आप इस तरह से लेट के मोबाइल अगर घंटों यूज़ करते हैं तो उसके नुकसान क्या हमें हैं, और इन चीज़ों से बचने के लिए मतलब कम यूज़ करें तो हमें कितनी चीज़ों से हम बच सकते हैं, मतलब जितनी जरूरत है उतना अगर इस्तेमाल करें, जितना जरूरत बिल्कुल इस तरह इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो उसके क्या नुकसान होता है कि हमारी बिलाई कमजोर होती है, आंखों की बिलाई कमजोर होती है। दूसरी बात, सर का दर्द होता है, आप जब इस तरह लेटेंगे तो दिमाग जिस तरह आपकी पोजीशन नहीं बनेगी, आपके पट्टियां कट जाएंगी, फिर जब सुबह उठते हैं तो हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती है, तो हमारे कंधे भारी होते हैं, गर्दन भारी होती है, और जब सुबह उठते हैं तो हम गुस्से के साथ उठते हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप उठो तो आप फ्रेश नहीं होते, फ्रेश नहीं होते, आपको ऐसा लगता है जैसे बोझ है सर पे, आप बहुत थके हुए हो, सर दर्द कर रहा है, बिल्कुल अजीब सा हुआ हुआ है, वो यही वजह है उसकी कि आप फ्रेश नहीं होते, क्योंकि हमने फ्रेश होने वाला काम ही नहीं किया, हमने कोई फ्रेश होने वाला काम ही नहीं किया, तो हम किस तरह फ्रेश होंगे। हमने रात को सोशल मीडिया को देखते रहे, बस इंजॉय करते रहे, वीडियोस देखते रहे, तो फिर हम सुबह किस तरह से फ्रेश उठेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अभी जितनी भी आपसे सवाल किए उसमें एक चीज़ आ रही थी, डिप्रेशन। पुराने दौरों की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से मेरी नानी दादी को तो डिप्रेशन का पता ही नहीं होगा कि वो होता क्या है, ये अब बड़ा है, तो डिप्रेशन है क्या चीज़, ये किस तरह से होती है, क्या है ये डिप्रेशन है क्या, मतलब ये हर दूसरे बंदे को हो रहा है, हर दूसरे बंदे को आप देखेंगे वो डिप्रेशन का शिकार है, और वो हर दूसरा बंदा इस चीज़ में किस वजह से आ रहा है, क्या ऐसी वजूहात होती हैं बेसिक के जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं?
देखें जी, डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन को मैं उर्दू में बात करूं तो एक वर्ड के अंदर पूरे डिप्रेशन को डिफाइन करता हूं, मायूसी उदासी, माजी। अब इसका डायग्नोस करने का तरीका क्या होता है, अगर देखें अगर एक हफ्ते तक मेरा भी कोई काम नहीं होगा, आज मुझे कोई डांट दे या मैं घर से इस नेत से निकलूंगा यार मुझे ये काम करना है, मेरा काम होना है, नहीं होता, मैं डिप्रेशन में चले आऊंगा। मुझे कोई डांट दे मैं डिप्रेशन में चले आऊंगा, मुझे कोई अपना बुरा भला कह दे मैं डिप्रेशन में चले आऊंगा। तो होता क्या है कि ये तो चलता रहता है डेली का डिप्रेशन, आधे घंटे का, एक घंटे का, किसी ने डॉक्टर साहब मैं यही आपकी, क्योंकि फिर वो बात आगे निकल जाएगी, डिप्रेशन क्या उन लोगों को होता है जो अंदर से कमज़ोर होते हैं, जो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को या फिर उनके साथ अगर कोई बदसलूकी होती है तो वो उसको फ़ौरन से दिल पे ले लेते हैं, उसके लिए सोचते हैं, क्योंकि जो कमज़ोर होगा, जज्बाती होगा, जिसका दिल बहुत नाजुक होगा, जो हर बात बहुत सोचता होगा, तो यकीनन वही डिप्रेशन में जाता होगा। जो स्ट्रांग लोग होते होंगे जिनके साथ बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती होंगी, वो कहते होंगे ठीक है देख लेंगे इसको बेहतर हम कर सकते हैं, क्या वो लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं? अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान, अब जो नई रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर चार में से एक बंदा डिप्रेशन के शिकार है। डॉक्टर साहब आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा था। मतलब मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए डॉक्टर जरूर है पर एक जज्बात और वो सारी चीजें तो है ना। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ डिप्रेशन ऐसे नहीं कि मतलब मायूस उदासी, सुबह उठे मायूस उदासी, मतलब एक काम के आपको सिचुएशन देख लिए किस स्टेज के ऊपर है, क्या सिचुएशन है, क्या मौका है। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं जा रहा हूँ, अब मुझे जल्दी पहुंचना है हॉस्पिटल, मैं लेट जा रहा हूँ, क्योंकि उसी वजह क्या है रात में ट्रैफिक बहुत है, एक घंटे परेशानी में डिप्रेशन होगा। एक बंदा है उसके सर का दर्द है, एक महीना हो गया, तमाम डॉक्टर्स को दिखा दिया, सिटी स्कैन करा लिया, एमआरआई करा लिया, 50,000 की दवाइयां खा ली, 50,000 के टेस्ट करा लिए, 50,000 डॉक्टर की फीस दे दी, अब उसको खुद ही डिप्रेशन हो जाएगा या मेरा मर्ज पकड़ा क्यों नहीं आ रहा, मैंने तमाम डॉक्टर दिखा दिया। एक बंदा है उसका काम नहीं हो रहा है, कोई भी प्रमोशन नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे एलिजिबल है अपनी प्रमोशन के लिए लेकिन ऑफिस में से प्रमोशन नहीं, वो डिप्रेशन में चलेगा। सिचुएशन है ना, स्टेजेस है, किस स्टेज के ऊपर हो रहा है। लेकिन अगर किसी को मायूसी, उदासी, काम में दिल नहीं लगना, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेना, 15 दिन से ज्यादा हो जाए, यही कैफियत मुसलसल 15 दिन से ज्यादा हो जाए तो फिर उसके ऊपर लेबल कर दे उसको डिप्रेशन है। अच्छा ठीक है। अच्छा मायूसी तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, हम तो मुसलमान हैं और हमें ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए। मेरे देखने वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि मायूसी के लिए अगर आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मायूसी जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब अगले प्रोग्राम, क्योंकि हमारे 2 प्रोग्राम हैं जिसमें हम डिप्रेशन और इस पर बात करेंगे, हमारे इस प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है, अगले प्रोग्राम में इस पर और हम डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉरेटरी की जानिब से है। अब तक के लिए इतना ही, अपनी होस्ट अनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।